नमस्ते फ्रेंड्स, कल्पना की रसोई में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की चटनी। तो ये देखिए इसे कैसे बनाते हैं, हम जल्द ही देखेंगे। तो कच्चा आम, आम का मौसम आ गया है, ये रहा कच्चा आम। तो चलिए बनाते हैं इसकी बढ़िया सी चटनी। आम को हमने छील लिया था और उसके छोटे छोटे से हमने टुकड़े काट लिए हैं। साथ ही में हमने पुदीना धोकर साफ़ कर लिया है। ये देखिए पुदीना की पत्तियाँ, और साथ में एक हरी मिर्च हमें डालनी है इसमें, और स्वादानुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए अब इस सारी मटेरियल को हम मिक्सी में डालकर थोड़ा सा, हमें आधा ग्लास से भी कम कम हमें पानी इसमें डालना है, और हमें इस मिक्सी को मिक्सी में से पीस लेना है। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, जो कि क्योंकि ये चटनी जो होती है वो खट्टी मीठी होती है, तो हम इसमें एक गुड़ डालना है हमें। तो ये देखिए 2 ही मिनट में चटनी तैयार, हमने इसे पीस लिया है मिक्सी में। तो ये देखिए अब हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर इसे आप और मीठा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी शक्कर भी आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, या गुड़ भी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की खाना पसंद करेंगे। तो उसमें आप गुड़ ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और। तो ये देखिए ये खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।